हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों से बात करूंगी स्टेरिलाइजेशन मेथड के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे टॉपिक दिख रहा हो, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि स्टेरिलाइजेशन क्या होता है। स्टेरिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे कि हम लोग कोई भी चीज हो, जैसे कि मान लीजिए कोई बॉडी का फ्लूइड हो, कोई भी सैंपल या फिर कोई भी मीडिया, उससे हम लोग माइक्रोब्स को किल करके वहां से माइक्रोब्स को रिमूव कर देते हैं। कोई भी चीज जिसको रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स फ्रॉम एनी मटेरियल्स इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। आई देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। स्टेरिलाइजेशन रेफर्स टू एनी प्रोसेस दैट इलिमिनेट्स रिमूव किल और डीएक्टिवेट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ का मतलब है यहाँ पे जैसे कोई भी हो गया बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, एल्गी, जितने भी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए उन सारे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं। एंड अदर बायोलॉजिकल एजेंट्स लाइक प्रायोन्स भी हम लोग के लिए हार्मफुल होते हैं। ये मतलब ये वायरस से भी बहुत छोटे होते हैं। प्रेजेंट इन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट फ्लूइड, फॉर एग्जांपल फूड, बायोलॉजिकल कल्चर मीडिया। बायोलॉजिकल कल्चर मीडिया एक्चुअली ये हम लोग के लैब में बनाया जाता है और इसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाते हैं। जैसे कि न्यूट्रिएंट अगार मीडिया हम लोग के लिए बहुत अच्छा होता है बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए। अब आइए जानते हैं कि इसके कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन से मेथड से हम लोग स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेरिलाइजेशन को दो मेथड में बांटा गया। पहला है फिजिकल मेथड में भी बहुत सारे मेथड आते हैं, तो उसमें पहला है सनलाइट। ये सनलाइट जो है ये एक नेचुरल स्टेरिलाइजेशन का काम करते हैं। सनलाइट में यूवी रेज होता है। यूवी रेज क्या करता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके बैक्टीरिया, मान लीजिए जैसे कि बैक्टीरिया, उसके डीएनए को जाके रैप्चर कर देता है। इस वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाता है। ये एक स्पॉन्टेनियस स्टेरिलाइजेशन भी कहलाता है क्योंकि एट अ टाइम यूवी लाइट की वजह से वहां पे डेथ हो जाती है। ये सनलाइट जो है ये नेचुरल भी है, स्पॉन्टेनियस भी है। सनलाइट एक बहुत ही अच्छा है और स्टेरिलाइजेशन एजेंट है। अब आइए बात करते हैं हीट के ऊपर। हीट जो है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हीट सेंसिटिव होते हैं और हीट लेबाइल होते हैं। इसका मतलब होता है कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हीट पे ग्रो करते हैं और कुछ हैं जो कि हीट के कारण मर भी जाते हैं। जैसे कि थर्मोफाइल्स, सेक्ट्रोफाइल्स, ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे। ये बात करते हैं हीट स्टेरिलाइजेशन। हीट स्टेरिलाइजेशन जो है वो भी टू टाइप का होता है। पहला होता है ड्राई हीट और दूसरा होता है मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट में होता है कि मतलब इसमें वाटर का प्रेजेंस नहीं होता है। ये हीट में मतलब वाटर्स का कहीं भी कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये हीट मेनली दो टाइप का होता है, एक फ्लेमिंग होता है, एक हॉट एयर ओवन होता है। हॉट एयर ओवन से सबसे ज्यादा मतलब स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि मतलब हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर सेट किया जाता है 160 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस। इसमें हम लोग 2 आवर्स के लिए कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट होता है हॉस्पिटल का, जैसे सीरिंज हो गया, स्पेचुलास हो गया और इनोकुलेटिंग लूप हो गया, इन सारी चीजों को स्टेरिलाइज किया जाता है। और फ्लेमिंग में क्या करते हैं कि मतलब कोई भी जो होता है निडिल ले लीजिए या फिर कुछ ले लीजिए, सीजर सब, उसको रेड हॉट तक हॉट करते हैं जिसकी वजह से सारे माइक्रोब्स मर जाते हैं। ये फ्लेमिंग हम लोग बुनसेन बर्नर में करते हैं। आइए अब देखते हैं मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट टेम्परेचर के बेसिस पे 3 टाइप से होते हैं। पहला है कि बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे जितना भी स्टेरिलाइजेशन होगा वो होगा बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे पहला आता है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन ज्यादातर डेयरी प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि मतलब माइक्रोब्स को किल कर देते हैं। ये सबसे ज्यादा मिल्क पास्चुराइज करने में यूज होता है, बट ये थोड़ा सा अमाउंट में इसे जूस भी पास्चुराइज किया जाता है और फिर डिस्पोजल वेजिटेबल्स में भी इसे यूज करते हैं। और दूसरा है वाटर बाथ। वाटर बाथ में क्या करते हैं कि 60 डिग्री सेल्सियस पे 60 मिनट के लिए इसमें वाटर बाथ में गर्म करते हैं। इसमें क्या होता है कि वैक्सीन्स हम लोग इसे स्टेरिलाइज करते हैं, क्योंकि अगर वैक्सीन को ज्यादा हीट पे देंगे तो वो खराब हो सकते हैं, इसलिए इसको 60 डिग्री पे 60 मिनट के लिए स्टेरिलाइज किया जाता है।
और ये तीसरा है फ्रिक्शनल स्टेरिलाइजेशन। इसमें क्या करते हैं कि 80 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग हीट करते हैं फॉर 3 डेज और 30 मिनट के लिए। 3 दिन तक लगातार आधा घंटा 80 से 85 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग इसके सैंपल को स्टेरिलाइज करते हैं, तो ये फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन पूरा होता है। आइए अब बात करते हैं 800 डिग्री टेम्परेचर पे। यहाँ पे पहला है बॉयलिंग। बॉयलिंग में तो ज्यादा कुछ नहीं है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल हो जाता है, तो उसमें हम लोग सारे जो भी स्टेरिलाइज करना होता है उसे डाल देते हैं। ये स्टेरिलाइजेशन उतना कुछ ज्यादा खास नहीं है। दूसरा स्टीमिंग। स्टीमिंग में क्या होता है कि जब 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम बनना स्टार्ट होता है, तो उस टाइम जो हमारा सैंपल होता है उसको स्टीम में डालते हैं और फिर इसका होता है। यहाँ पे हीट की वजह से बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है प्रोटीन वो डीनेचर हो जाता है, इस वजह से बैक्टीरिया का सेल डेथ हो जाता है। टिंडलाइजेशन जो है ये मतलब ये भी 3 दिनों का प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे डेली इसको 20 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट के लिए इसे डेली हीट करते हैं और फिर ये टिंडलाइजेशन पूरा हो जाता है। ये वैसे मीडिया को स्टेरिलाइज करने के लिए यूज होता है, जिसमें कि जैसे हो गया ब्लड अगार हो गया, सेरम बेस्ड मीडिया हो गया, इन सारे मीडिया को स्टेरिलाइज करने के लिए टिंडलाइजेशन हम लोग यूज करते हैं। एभव 100 डिग्री सेल्सियस मेनली ऑटोक्लेव में होता है। ऑटोक्लेव में क्या होता है कि मतलब ये एक फैंसी प्रेशर कुकर होता है, ये ज्यादातर तो लैब में ही यूज होता है, ऐसे जनरल लाइफ में कभी यूज होता नहीं है। तो इसमें हम लोग वाटर को बॉयल करते हैं एट 120 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 15 मिनट के लिए। जैसे ही इसका प्रेशर 15 LBS हो जाता है तो फिर यहाँ पे इसका टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, इस वजह से सारे जो माइक्रोब्स होते हैं ये यहाँ पे मर जाते हैं। अब ये तो सारी बातें हो गई हीट के बेसिस पे। आइए अब हम लोग फिल्ट्रेशन पे देखते हैं। फिल्ट्रेशन में भी हम लोग स्टेरिलाइज करते हैं। इसमें क्या होता है कि मतलब एक फिल्टर पेपर लेते हैं, इसमें वैसे सैंपल को स्टेरिलाइज करते हैं जो कि हीट से खराब हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी वैक्सीन है जो न्यूली बना है, अगर वो हीट सेंसिटिव है तो उसे हम लोग वहां स्टेरिलाइज नहीं कर सकते, तो इस वजह से यहाँ फिल्टर पेपर से उसे स्टेरिलाइज करते हैं। यहाँ पे फिल्टर पेपर का जो पोर होता है वो बहुत ही माइन्यूट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इस वजह से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं और जो हम लोग का और सैंपल होता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, इस वजह से हम लोग को फ्री ऑफ माइक्रोब सैंपल मिल जाते हैं। और तीसरा है रेडिएशन। रेडिएशन भी दो टाइप का होता है, एक आयोनाइजेशन रेडिएशन, एक नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन। आयोनाइजेशन रेडिएशन जो होता है इसके पास पेनेट्रेट सेल वॉल को पेनेट्रेट करने की पावर बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से सेल लाइसिस हो जाता है। आयनाइजेशन रेडिएशन के एग्जांपल हैं एक्स रेस, गामा रे, कॉस्मिक रे एंड अल्फा रेस। और नॉन आयनाइजेशन जो होते हैं इसके पास थोड़ी लेस होती है, बट यूवी रेज ऐसा रे कि इसके पास भी पेनिट्रेशन पावर होती है, तो यूवी रेज की वजह से सेल लाइसिस हो जाता है। आइए ये तो सारी बातें थी फिजिकल मेथड के ऊपर, अब हम लोग बात करते हैं केमिकल मेथड के ऊपर। कौन कौन से केमिकल मेथड है जिसकी वजह से हम लोग स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला आता है अल्कोहल। अल्कोहल जो है ये बहुत ही फेमस है, मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल्स हो गया, लैब हो गया, हर जगह अल्कोहल का यूज किया जाता है स्टेरिलाइजेशन के लिए। स्टेरिलाइजेशन मतलब अल्कोहल में सबसे पहला एग्जांपल है इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये सब क्या करते हैं कि मतलब बैक्टीरिया का जो प्रोटीन होता है उसको डीनेचर करके बैक्टीरिया के सेल वॉल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिस वजह से कोई भी मीडिया हो या फिर कोई भी हम लोग का इंस्ट्रूमेंट वो स्टेराइल हो जाता है। अल्डिहाइड। अल्डिहाइड जो है ये बहुत ही पुराना है, मतलब ऐसे मान जाए कि बहुत लंबे समय से ही स्टेरिलाइजेशन का काम अल्डिहाइड से होता आ रहा है। ये क्या करता है कि एक्टिवेट करता है बैक्टीरियल प्रोटीन को बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अमीनो ग्रुप, मतलब इसके जो अमीनो ग्रुप जो प्रेजेंट होते हैं इसके प्रोटीन में वो उसे अमीनो ग्रुप को ही ऑक्सीडाइज कर देता है, जिस वजह से कि बैक्टीरिया का प्रोटीन ऑक्सीडाइज हो जाता है और बैक्टीरिया वहां पे मर जाता है।
ये हमारा बहुत ही पुराना मेथड है। आइए अब बात करते हैं फिनॉल के ऊपर। फिनॉल जो है ये एक बहुत ही अच्छा है, इससे क्या होता है घरों को भी स्टेरिलाइज किया जाता है, इवन जो बड़े बड़े स्मार्ट सिटीज होते हैं वहाँ के हॉस्पिटल सबको भी, हॉस्पिटल हो गया, ऑफिस हो गया, इन सारी चीजों को फिनॉल से स्टेरिलाइज किया जाता है। ये फिनॉल क्या करता है कि ये डिसरप्शन कर देता है सेल वॉल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को, जो कि सेल लाइसिस काउज करता है। फिनॉल का सबसे पहले यूज किया था जोसेफ लिस्टर ने 1865 में। तो वहां पे इन्होंने मतलब बॉडी ऐसा देखा गया कि फिनॉल की वजह से वहां पे कोई भी माइक्रोब्स ग्रो नहीं हो रहे थे, तो तभी उन्होंने ये बनाया कि फिनॉल की वजह से भी स्टेरिलाइजेशन हो सकता है। आइए अब बात करते हैं हेलोजन की। हेलोजन में मैंने आयोडीन है, क्लोरीन है, इन दोनों से स्टेरिलाइज किया जाता है। क्लोरीन का सबसे ज्यादा यूज होता है वाटर सप्लाई बॉडी को स्टेरिलाइज करने में, वाटर प्यूरिफिकेशन में, और आयोडीन जो है वो हम लोग का नेचुरल एंटीसेप्टिक है। अगर कहीं भी घाव हो गया तो वहां पे आयोडीन देने से माइक्रोब्स की किल हो जाते हैं और वो स्टेरिलाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो क्या ऑक्सीडाइज करते हैं सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को, सेल वॉल को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सबसे पावरफुल है ऑक्सीजन क्लोरीन। ये सेल मेम्ब्रेन को ऑक्सीडाइज कर देते हैं जिस वजह से कि सेल का डेथ हो जाता है। आइए बात करते हैं हैवी मेटल की। हैवी मेटल में सबसे पहले यूज हुआ था आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है वो क्या किया था सेल के इनएक्टिवेट करते हैं, मतलब कोई भी सेल अगर एक्टिवेट है तो उसको वो इनएक्टिवेट कर देता है जिस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। बट आर्सेनिक बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है, इसलिए अभी आर्सेनिक के यूज पे बैन लगा हुआ है। तो अभी आर्सेनिक का हम लोग हैवी मेटल में यूज नहीं करते हैं। अभी हम लोग सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट्स का यूज करते हैं। अब बात करते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट, मतलब ये इसका मतलब क्या है, ये सरफेस पे एक्टिव होते हैं, बैक्टीरियल हो गया या फिर कोई भी माइक्रोब्स है उसके सरफेस पे एक्टिव होते हैं। तो इसमें क्या होता है इस एजेंट में कि दो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, एक ही कंपाउंड में दो होते हैं, हाइड्रोफोबिक ग्रुप और हाइड्रोफिलिक ग्रुप। ये दोनों ग्रुप क्या करते हैं, जो हाइड्रोफोबिक होते हैं वो वाटर को रिपेल करते हैं और जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वो वाटर को गेन करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि इसका इस कंपाउंड का एक ग्रुप वाटर को रिपेल करता है, दूसरा एब्जॉर्ब करता है, इस वजह से सरफेस टेंशन होता है और इस वजह से बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है। इसके आइए एग्जाम्पल देख देते हैं, बेंजल कोनियम क्लोराइड, ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। आइए बात कर लेते हैं डाइस की। डाइस भी दो ग्रुप होते हैं, एक एक्रिलिन डाई होता है, एक एनिलिन डाई होता है। एक्रिलिन डाई जो होता है वो मतलब बहुत ही अच्छा है, पर एनिलिन डाई इससे और भी ज्यादा अच्छा है। एनिलिन डाई जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिस्टर्ब कर देता है और ये ज्यादा पॉजिटिव होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए। इसका एग्जाम्पल है ब्रिलियंट ग्रीन, मेलाचाइट ग्रीन एंड क्रिस्टल वायलेट। और ये एक्रिलिन डाई के एग्जाम्पल है प्रोफ्लेविन, एक्रीफ्लेविन एंड यूफ्लेविन। ये सारे जो मतलब ये जो डाई है ये मेनली एक्ट करते हैं अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर। अब आइए जान लेते हैं कुछ गैसेस हैं वो भी स्टेरिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। पहला इथिलीन डाई, इथिलीन ऑक्साइड, ओजोन। ओजोन का मेनली यूज किया जाता है वाटर बॉडी को स्टेरिलाइज करने के लिए, जैसे कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है वाटर को प्योर करना होता है तो ओजोन का वहां पे यूज करते हैं। बट ओजोन का कुछ ज्यादा लेवल तक यूज ये बहुत ही ज्यादा लीथल है हम लोगों के लिए, तो इसका बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में ही यूज करते हैं, 0.022, 0.03। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी उपयोग हम लोग स्टेरिलाइजेशन के लिए।